बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि मैं घर आ गई हूँ, मैं सहारनपुर आ गई हूँ शिवम को छोड़ के अगेन। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन पड़ा हुआ है, अभी तक सो रहा है। सुबह के 12 बज चुके हैं और ये है शित्तू, ये है मेरे मामा जी की बेटी सुपुत्र, और ये अभी तक सो रही है। उठो उठो। और ये है हमारी मामी जी जो पूरा दिन सुबह से देख रही है टीवी। ये है हमारी मामी जी, छोटी मामी जी। ये मेरी प्यारी सी भांजी। और दिखाती हूँ दीक्षा कहाँ है। दीक्षा उठ जाओ बेटा, उठो, चलो सुबह नहीं दोपहर हो गई है, दोपहर। चलो उठो, हंस क्यों रही हो, काफी सुंदर सुबह हुई है तुम्हारी। हाँ, मेरी शक्ल देखकर। तो मेरे घर पे आने का रीजन ये था कि मम्मी पापा, यानी कि मेरे मम्मी पापा गए हुए हैं यूरोप, ये मैं बताना भूल गई थी, वो पिछले 12-13 दिन से यूरोप में ही हैं। वो दीक्षा यहाँ पर अकेली थी इसलिए मामी जी अभी तक आई हुई थी उसके पास, लेकिन आज मामी जी भी वापस कासगंज जा रही है, मामी जी कासगंज में रहती है, आज वो भी वापस जा रहे हैं, तो फिर दीक्षा अकेली हो जाती इसलिए मुझे दीक्षा के पास आना पड़ा। और अब हम चलते हैं किचन में, मामी जी से पूछते हैं आज उन्होंने क्या बनाया है खाने में। जी मामी जी, क्या बनाया है आपने आज? मैंने बनाए हैं राजमा, बहुत टेस्टी वाला। ओहो हो, बनाए हैं। ओहो हो, चलो ठीक है, फिर मैं कॉफी बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ कॉफी, मैं आपके लिए, आपको भी बढ़िया सी कॉफी पिलाती हूँ। ओके ओके। आज मैं घूमने जाऊंगी अपनी भांजी के साथ। मामी जी ओवर एक्साइटेड है क्योंकि वो मामा के पास आज वापस जा रही है इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। नर्सरी पे जाओ। हाँ अभी हम नर्सरी पे भी चलते हैं। उठ जा मैडम, शित्तू उठ के जाके खूबसूरत बना, आज तू पूरा दिन कैमरे की निगरानी में ऐसे पड़ी हुई है ना जो तू, ये कॉफी तो ला रही, जाके एटलीस्ट ब्रश तो कर ले, गली च इंसान एक ही बार। ये उठ गई है दीक्षा। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। क्या हो गया बहन तुझे? हम लोगों को अभी जाना था नर्सरी पर, मम्मी ने यहाँ पे जो नर्सरी खोली है आप लोगों को पता ही है, तो हमें अभी वहां पर जाना था, लेकिन यहाँ पर हो रही है बहुत ही ज्यादा देर से बारिश। ये देखो हमारी, मैं आपको हमारी मामी जी दिखाती हूँ जो कोशिश कर रही है बारिश में नहाने के लिए। ये देखो, ये शायद सड़क पर नहाने की कोशिश करने वाली है। तो आज जो मैंने टॉप पहना हुआ है ये मैंने खुद ही बनाया है, ये मैंने अपने, थैंक यू, ये मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे, ये मैंने पूरी इस पे, इसको वो बोलते हैं टाइन डाई, तो ये पूरी मैंने छोले डाल डाल के करी थी, इसमें पूरी टाइन डाई ये मैंने खुद ही करी हुई है, और आज मैंने इसे शायद 2 साल बाद पहना है पहली बार। वेलकम टू हाय, कैसा है मेरा गोलू? ओए मेरा गोलू, कैसा है मेरा गोलू? वाओ, मेरे लिए नटीज लेके आया है, दे दे मेरा गोलू। अगर बियान की मैम ये देख रही है तो देख लो, इसने पैर नहीं छुए अपनों से बड़ों के, तेरी मैम देखेंगे अभी, फटाफट छू ले वरना, जल्दी, गुड बॉय। हाँ ये क्या कर रहा है? मेरी बहन को ये क्या कर रहा है? लगा इसके मुंह पे एक थप्पड़। अच्छा सॉरी सॉरी। तो कैसा लग रहा है आपको बना बनाया खाना खाने में? इतने दिनों बाद बिना मेहनत का खाना मिल रहा है, मेरे को आज कुछ नहीं करना पड़ा, मामी जी ने राजमा चावल बनाया, मैं सिर्फ और सिर्फ खाने बैठ रही हूँ, मजा आ रहा है मायके आके, मायके का सुकून, गाइस मायके का सुकून, सही में मायके का सुकून। हाँ, बिना मम्मी के, मामी जी के, मामी जी के द्वारा दिया हुआ मायके का सुकून। वेरी गुड। कभी कभी कितनी अच्छी बातें कर लेता है तू, है कितना, कितनी अच्छी बातें कर लेता है कभी कभी। चलो नर्सरी चलते हैं, चलो। ओ ओ ओ, लगी लगी कहीं पे? नहीं लगी, चीटी मर गई, दिखा हाय मेरा बच्चा। ये हम आ गए हैं नर्सरी पर, अभी यहाँ पे अभी अभी ये शेड लगा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना तो यहाँ पे अब वो नहीं आ पाएगा। हेलो टुन्नू,
हेले हेले नहीं, हेलो हेलो। तो जिसको भी सहारनपुर में नहीं पता है कि ये नर्सरी कहाँ पर है, ये नर्सरी जनता रोड पर है। SBI बैंक से आप थोड़ा सा आगे आओगे और ट्रांसपोर्ट नगर से थोड़ा सा पहले ही ये नर्सरी पड़ जाती है। इसका नाम है श्रीजी नर्सरी एंड लैंडस्केपिंग, और यहाँ पे आपको सभी तरीके के प्लांट्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो लगे हाथ मैंने मम्मी की नर्सरी का प्रमोशन भी कर ही दिया है। अच्छा ये अनार का पेड़ है इसमें आ रहे हैं अनार अभी? अरे हाँ मत नहीं तुमने, अभी बहुत छोटा, से तोड़ना नहीं है। हाँ अरे वाह, देख कितने क्यूट से, तो छोटे छोटे से। देखो यहाँ पे हो रही है गेम खेलने की तैयारी। ये बचपन में खेला जाता था, ये वो गेम है। अच्छा चलो अभी खेलेंगे। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डॉगी आया है, थोड़ा सा डर रहा है, इसके पैरों में चोट भी लगी हुई है। दीक्षा बुला रही है इसको। बाय। बाय नहीं, हाय बेटा छोड़ो। नो, डर रहा है वो, डर रहा है। नहीं नाटक नहीं कर रहा, उसकी चोट लग रही है। नुनू आराम से, ऐसे नहीं, फिर वो डरेगा ना। कैसे लेट गया ये? डर। माफ, डर जाता यार, वो कोशिश कर रहा था डराने की। भूत की पिटाई हो गई, भूत की पिटाई हो गई। इसने मेरे बालों में लगा दिया सारा हैंड वॉश। इसकी मम्मी अगर देख रही है ये व्लॉग तो शित्तू कह रही है प्लीज अपने बच्चे को सुधार लो। ओए नहीं टुन्नू, नो देख, सब देखेंगे, तेरी मैम देखेंगी ये। तू उनको मार रहा है ना, तेरी मैम देखेंगी अब। ये देखो मामी जी जाते जाते भी सेवा करके जा रही है, सब आज मामी जी से चंपी करवाने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न मेरी है, और फिर ये जो यहाँ पड़ी हुई है यूजलेस, ये भी फिर इसको भी ऐसे। हाँ तो छोटी बहन है, यूजलेस ही होती है मैं। ये मेरी बुराइयां कर रही है, कह रही है कि मैं वेली हूँ, मैं मायके आई हुई हूँ, कोई मुझे काम नहीं करने दे रहा है। हाँ तो मैं इसीलिए ही आई हूँ। हाँ मामी जी के जाने के बाद मैं ही काम करने वाली हूँ, जब तक मम्मी नहीं आने वाली है। मम्मी परसों आ रही है, तो मतलब पूरा एक दिन, पूरा डेढ़ दिन। मम्मी परसों दोपहर तक आ रही है, पूरा डेढ़ दिन मुझे काम करना है। बनाना नहीं है कल का खाना, बनाने नहीं करूँगा। अरे हाँ कल का खाना मुझे बनाना नहीं, कल हम ताई जी के घर सारे खाने। बैठ गई अब तुम चंपी के लिए? अच्छा लग रहा है, इतने महीनों बाद चंपी मिल रही है यार। मामी जी मत जाओ यार, डेढ़ दिन और रुक जाओ। तो जाना यार, अब मजबूरी है, नहीं तो मैं तो रुक जाती अगर नौ दुर्गे नहीं होते तो। और दो दिन रुक जाती अगर नौ दुर्गे की दिक्कत नहीं होती। गाइस आप लोगों को भी मजा आता है क्या चंपी करवाने में? कमेंट करके बताना यार। गिलो करता हुआ चेहरा, क्या राज है इसका? डेढ़ दिन क्या, फिर तो मैं ढाई तीन दिन रुक जाती हूँ। क्या यार पिछले आधे घंटे से बैठी है, मालिश नहीं खत्म हो पा रही तेरी? मामी जी के हाथ भी थक गए, चित्तू भी लाइन पे है, अब तो बस करो। दो मिनट और। ओके गाइज अब ये लोग जा रहे हैं। ओके हम आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज्यादा मिस करूंगी दोनों को, सबको बहुत। थोड़ी बाय बाय।
जल्दी आना वापस। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मामी जी, बाय बाय। बहुत अच्छा मिलके लगा तानिया से, इतने टाइम बाद हम इतने अच्छे से मिले ना सब लोग। तो यहाँ पर हो रही है बारिश बहुत ही ज्यादा, थोड़ी देर के लिए रुकी थी दिन में लेकिन फिर से शुरू हो गई थी। पता नहीं इंद्र देवता किससे प्रसन्न हुए हुए हैं, ये दीक्षा का कहना है। तो मामी जी और शितू अब जा चुके हैं, अब हम करते हैं थोड़ा सा आराम। बहुत दुख हुआ है कि वो जा चुके हैं, आंसू आए हैं काफी। मम्मी से हाय टू माय व्लॉग। हाय मम्मी, ये है मम्मी ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड। हाय हाय फ्रॉम इंडिया। पापा को भी दिखाओ। पापा से हाय टू माय व्लॉग। कैसे हो स्विट्जरलैंड, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वापस आ जाओ फटाफट। हम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो अब दो दिन में वापस आ रहे हो आप, चलो जल्दी। ओके बाय कर दो अब। तो अभी हम खा रहे हैं रामेन, दीक्षा की फेवरेट। ये दीक्षा ने बनाई है मेरे लिए, मुझे तो पूरा सुकून मिल रहा है यहाँ पे बैठे बिठाए खाने के लिए मिल रहा है। ओके गाइज, तो ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। होप यू लाइक द ब्लॉग। लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।